पाकिस्तान हमेशा इंडिया और इजराइल से डरता रहा है। पाकिस्तान हमेशा इंडिया और इजराइल से इस तरह डरता रहा है कि माजी में भी हमें ये कहा गया कि इंडिया और इजराइल जो हैं, दे वांटेड टू अटैक पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। किसी को शर्म नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है। और सुनो, अब सुनो, इसका रोना रोज रोते हो तुम लोग। आपने जो चूरन बेचा, आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। आज आप बोलते भी नहीं है कि ये चूरन हम बेच रहे थे। आपने 100 मुसलमान लड़की से मुलाकात की है, 100 में 98 लड़कियां, 98 लड़कियां किसी ना किसी इस्लामिक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। हम तो ओआईसी को रिक्वेस्ट करते रहे कि खुदारा खुदारा एक सेशन ही कर दो कश्मीर के ऊपर, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी साहब को नाराज करने के लिए तैयार नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकोनॉमी चेक कर लें, उनकी पांचवीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा जरूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, प्रॉब्लम उनके साथ एक खड़ी है, वही है कि वह ये है कि जो सोशल मीडिया के जमाने में माँ के लोग इसे क्वेश्चन पूछने लगे, और जब वह दिखाते हैं कि हमारे इंडिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यह इन्होंने फैला रखा है कि भारत में तो शौचालय नहीं, लोग सड़कों पर सोते हैं, जबकि लोग वर्ल्ड की रेस रिपोर्ट देख रहे हैं। और यह भारत की कितनी तेजी से बढ़ रहा है कि अमेरिका तक भारत की सुन रहा है। जितने भी सऊदी अरब हुई उनके भाई थे, वह भारत की तरफ आ रहे हैं और भारत से बिजनेस कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में राय जरूर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। में कुछ ऐसे मामलात होते हैं पाकिस्तान में ड्रोन किए इन्होंने, जब अमेरिका करता रहा, उस वक्त ये यूएन, ये अमेरिका, ये इसराइल उस वक्त क्यों खामोश थे? आफिया सिद्दीकी के मामले पे ये सारे क्यों खामोश हैं? आफिया सिद्दीकी एक औरत है, पाकिस्तानी माँ बेटी है, उस पे इतने ज्यादा जुल्म अमेरिका कर रहा है, तो उस पे ये लोग क्यों खामोश हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कतर से अपने 3 एक्स नेवी ऑफिसर जो हैं वो रिहा करवा के लाए, जिन्हें सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी। उनकी डिप्लोमेसी देखें, उनके रिलेशन देखें कि कितने अच्छे हैं, कि वो कतर से अपने सजा याफ्ता बंदे जिन्हें जो है सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी उनको बचा कर लिया, लेकिन हम आज तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस नहीं लड़ सके। देखें, इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकोनॉमी चेक कर लें, उनकी पांचवीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। हमारी गवर्नमेंट, आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किसने, किसी की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर आके हमारी बेटी को, माँ बेटी को लेके चला जाए? सर, अभिनंदन हमने वापस कर दिया चाय पिला के, आप यहाँ से इंडिया की पावर चेक कर सकते हैं। अभिनंदन को तो वापस हमने किया है, दो और भी तो थे, तीन तैयारे थे ना, उनका नाम ही नहीं लिया, वो चुप चुपाते खामोशी से हमने वापस कर दिए थे, भेज दिया। तो मैं कह रही हूँ कि हमारी सियासत कमजोर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क को खा खा के खोखला कर दिया, इसलिए तो हम आज तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। देखे ना, जब तक जमहूरियत नहीं आएगी, जब तक हमारी आवाम की बात को नहीं माना जाएगा। अब देखें, इस लाहौर के अंदर आप देख लें, आप माशाल्लाह रिपोर्टर हैं, आपको पता होगा कि आपको भी पता है कि सारी आवाम किस पार्टी के साथ है। जो बंदा मुल्क छोड़ के भाग जाता है, जब भी मुश्किल वक्त आता है, जब भी पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आता है, वो मुल्क छोड़ के चला जाता है। तो ऐसे लोग जब हमारे, हम खुद उनको बुलाकर दोबारा उनको गवर्नमेंट दे देंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। देखे ना, एक जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उस वक्त भी यही हुआ, आज फिर वही हो रहा है। तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह याफ़ेद, आज KPK में देखें, क्वेटा में देखें, यानी बलोचिस्तान में हालात वही हो रहे हैं। ऐसा ऐसा मुझे लगता है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर सूबे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हर सुबह आज़ाद कश्मीर वाले तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है ही नहीं, गिलगित बल्तिस्तान वाले तो कब से, आप वीडियोस भी देखती होंगी, मेरे साथ भी रहते हैं कुछ लोग कश्मीर के लोग, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी को कहते हो, हमें बदनामी होती है, हमें बुरा लगता है, हम अपने आप को पाकिस्तानी कैसे कहें। वो कहते हैं कि, वो ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर,
हम तो नारा लगा रहे हैं ना, हम तो वो जो जम्मू कश्मीर का नारा लगाते हैं ना कि वो कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, हम तो ये मानते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर हमारा है, लेकिन वो नहीं मानते। क्यों क्यों नहीं मानते? क्योंकि आज तक हमने कश्मीर की बात नहीं की। हम ज़रूर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं, हमारे जो वज़ीर उनको कोठियाँ बंगले मिल जाते हैं, लेकिन वो खामोश रहते हैं। जब इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था तो ओआईसी तो हिली भी नहीं थी। हम तो ओआईसी को रिक्वेस्ट करते रहे कि खुदारा एक सेशन ही कर दो कश्मीर के ऊपर, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी साहब को नाराज करने के लिए तैयार नहीं था। कोई मुल्क नरेंद्र मोदी को तैयार नाराज नहीं करना चाहता था। कोई मुल्क डॉक्टर जयशंकर को तैयार नहीं। मुसलमान मुल्कों में छोड़े बाकियों में मुसलमान मुल्क, तब से तो पाकिस्तानियों का ओआईसी से ईमान ही उठ गया कि ये किसी काम की नहीं है। एक बात ये जरूर ठीक है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है वो इंडिया को जो है वो हिट करने के लिए, मतलब हमारा जो मिसाइल सिस्टम है वो इंडिया का जो आखिरी जो कोना है उधर भी साउथ तक जाने की सलाहियत रखता है, और इर्द गिर्द भी जहां पे पाकिस्तान चाहे वो अटैक कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ इंडिया को रखा है, किसी और को नहीं रखा। आपको पता है, मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, जो पाकिस्तान का बॉम्ब है इसको इस्लामिक बॉम्ब भी कहा जाता था। मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि ये बॉम्ब तो कोई ये नहीं कहता हमारा हिंदू बॉम्ब है, कोई ये भी नहीं कहता कि हमारे पास ज्यूज बॉम्ब है, कोई ये भी नहीं कहता कि हमारा जो बॉम्ब है वो क्रिश्चियन बॉम्ब है। तो ये पाकिस्तान के बॉम्ब को क्यों इस्लामिक बॉम्ब कहना है शुरू कर दिया? मतलब पाकिस्तान को हमेशा शुरू से ये रहा है कि हम लीडरशिप लेना चाहते थे। बेसिकली प्रॉब्लम ये है। आप माजी में चले जाए ना, 60s में तो